सीएम उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है, और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि ना बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर मैंने मुख्यमंत्री। आपने गठबंधन की बात की, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है बिहार में? जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि आपने अरुणाचल प्रदेश में जो किए हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, आहत है। खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। सीएम उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है, और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल यू के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। आपके दिल्ली जाने के बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है? क्योंकि आप जब तक थे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बेहतर था, अब कम है। कोई कमी नहीं है, और जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है और दोनों तरफ का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। और आरसीपी जी जो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनको अपनी बधाई और शुभकामना देते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीपी सेना के नेतृत्व में जनता दल यू और बीजेपी का तालमेल और बेहतर होगा।